लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। प्री से शहर हुआ तर, मानसून के लिए 28 तक करना होगा इंतजार। इंदौर गत वर्ष से एक सप्ताह पूर्व आने वाले मानसून की खबरों को ब्रेक लग गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि अब मानसून 28 फरवरी के आसपास आ सकता है। हालांकि रविवार को प्री मानसून की तेज बारिश ने शहर को तर कर दिया, इससे लोगों को उमस से राहत मिली। इधर विभाग का कहना है कि आगामी एक सप्ताह तक तापमान की स्थिति 36 डिग्री के आसपास बनी रहेगी। रविवार सुबह से ही मौसम शुष्क रहा। शहर के कुछ क्षेत्रों में दोपहर बाद हल्के बादलों से बूंदाबांदी हुई, जिससे कुछ समय तक तो ठंडक रही, लेकिन उमस बढ़ गई। एक बार फिर से जहां आसमान पर छाए काले बादलों ने बारिश की उम्मीद जगाई और शाम होते होते रात 10 बजे के बाद बरस पड़े। आसमान पर लगातार बादलों की आवाजाही पिछले 3 से 4 दिनों से चल रही थी, लेकिन हवाओं की गति के कारण बादल अपना डेरा डालने में असमर्थ रहे। मौसम विभाग की माने तो समूचे प्रदेश में प्री मानसून की बारिश 2 से 3 दिन के अंतराल में बनी रहेगी। वहीं तापमान कहीं ज्यादा तो कहीं बादलों के कारण सामान्य होगा। सुबह से ही शुष्क रहा मौसम। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार का अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवाओं की गति 28 से 32 किमी प्रति घंटे की रफ्तार रही। विभाग का मानना है कि आगामी एक सप्ताह से तापमान 36 डिग्री के आसपास ही रहेगा। बादलों के कारण प्री मानसून की स्थिति बन सकती है। इन दो रास्तों से आएगा प्रदेश में मानसून। मुंबई, सूरत, जलगांव, अमरावती, नागपुर, गोंदिया से बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, गुजरात के भरूच से बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला। फिर लेट हुआ मानसून। मौसम विशेषज्ञों की माने तो गत वर्ष 28 जून को इंदौर में मानसून ने दस्तक दी थी। इस बार मई में आशंकाएं जताई जा रही थी कि मानसून 20 जून तक दस्तक दे सकता है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए नहीं लगता कि मानसून 20 जून तक दस्तक दे। अब तो मानसून एक सप्ताह और आगे खिसक गया है। इस बार भी मानसून 28 जून के आसपास ही आ सकता है। महाराष्ट्र, दिल्ली कहीं से भी बादल प्रदेश में आते नहीं दिख रहे।